हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गज़ल किचन। आज हम बना रहे हैं मोज़रेला स्टिक और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ मोज़रेला चीज़ मुझे स्टिक मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने 2 eggs लिए हैं बिकॉज़ 1 egg जो है मैं बाद में यूज़ करूँगी जब मेरा एक 1 egg फिनिश हो जाएगा। मेरा एग है, फ्लावर है, ब्रेड क्रम्स हैं और मोज़रेला चीज़ है। मैं सॉल्ट और चिली पाउडर यूज़ करूँगी फॉर टेस्ट के लिए। सबसे पहले जो है हम इसमें जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जायका जो होता है वो आप ऐड कर सकते हैं। और मैं आप अंडे को अपने अच्छे से जो है वो मैं फेटूंगी अपने फोक से। मोज़रेला स्टिक मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं आराम से। कटी हुई मिली भी होती है, नहीं है तो आप बाड़ लेके उसको स्टिक में कट कर सकते हैं। अब मैं इसमें जो है 1 teaspoon जो है मैंने इसमें जो है वो चिली पाउडर डाला है। आप जो है वो चिली पाउडर कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी चिली पाउडर ज़्यादा डाली है बिकॉज़ फॉर टेस्ट इसमें कुछ स्पाइस है नहीं, तो इसलिए मैंने सॉल्ट एंड जो है चिली पाउडर डाला है। ये जस्ट ऑप्शनल है, ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। और सबसे पहले जो है मैं अपनी 1 मोज़रेला स्टिक लूँगी, उसको मैं अपने फ्लावर में यानी मैदा में वाइट फ्लावर में मैं इसको जो है मैं कोट करूँगी। फिर मैं इसको अपने अंडे से कोट करूँगी, अपने जो मैंने अंडे का अपना जो मिक्सचर बनाया है। मेरा मोज़रेला स्टिक्स बाउल में फिट नहीं हो रहा है, सही से नहीं हो रहा, तो मैं जो हूँ चेंज कर लूँगी। मैं अपनी जो है एक प्लेट है उसमें मैं ये अपना एग डाल दूँगी कि मैं अच्छे से जो है वो कवर कर सकूँ। अब मैं अंडे से इसको अच्छे से जो है अपनी मोज़रेला स्टिक को कवर करूँगी। फिर जो मैं इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ आप बिल्कुल वैसे ही स्टेप फॉलो करेगा। अब मैं इसको अपने ब्रेड क्रम्स में मैं डाल रही हूँ, कोटिंग कर रही हूँ। और कोट करते वक्त बहुत ही लाइट हाथ से आप कोट करेगा बिकॉज़ आपकी मोज़रेला स्टिक टूट सकती है। और हल्के हल्के हाथ से जो है वो प्रेस करेगा कि हमारा जो ब्रेड क्रम्स है वो अच्छे से जो है मोज़रेला चीज़ में जो है वो लग जाए। मैं इसमें यहाँ डबल कोटिंग अपनी करूँगी कि यहाँ ब्रेड क्रम्स ही, क्योंकि मेरी क्रिस्पी मोज़रेला चीज़ जो है वो रेडी हो जाए, इसलिए मैं जो उसको करूँगी ऐसे। सेकंड स्टेप आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कम 1 स्टेप कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 दफ़ा कोटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी मोज़रेला स्टिक जो है वो रेडी हो रही है, हो चुकी है एक। अब मैं इसी तरह अपनी सारी मोज़रेला चीज़ जो है वो जल्दी जल्दी जो है मैं कर लूँगी बिकॉज़ मैं कोई एक एक करके नहीं दिखा सकती, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जो है मैं अपनी सारी मोज़रेला स्टिक जल्दी जल्दी जो है मैं इसको रेडी करके रख लूँगी। और रेडी करने के बाद मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी 1 आवर के लिए।
मेरी मोर्ज़रेला स्टिक सारी जो है वो रेडी हो गई हैं। अब मैं अपना फ्राइंग प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। देन सबसे पहले मैंने पैन लिया है और उसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी, बिकॉज़ ये डीप फ्राई होती है, तो इसलिए मैंने उसमें कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा डाल दिया है। और अब जो है अब मैं अपने ऑयल गर्म होने का जो है मैं वेट करूँगी। और मैं अब इसको चेक कर रही हूँ कि आप कोई भी चीज़ छोटी सी लिटिल बिट जो है वो मैंने इसमें ब्रेड का छोटा सा स्लाइस डाल के चेक किया है कि मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है नहीं हो गया, लेकिन मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। मर्ज़ेला चीज़ को है वो जो है ऑयल गर्म होने के बाद जो है वो आप चूल्हा हल्का कर देगा, बिकॉज़ वो तेज़ आँच में नहीं पकाएगा, बिकॉज़ हमारी मोरजला स्टिक अंदर से मेल्ट होके वो बाहर निकलने लग जाएगी, इसलिए हल्की आंच पे उसको जो है आप पकाएगा। मैंने अपनी सारी मोरजला चीज़ जो है मैंने स्टिक जो है मैंने इसमें डाल दी है और मैं इसको फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन में। आप देख सकते हैं कि मेरी जो मोरजला स्टिक है वो फ्राई हो रही है। मैं इसको हल्की आंच पे जो है फ्राई करूँगी कि गोल्डन ब्राउन मेरी जो मोरजला स्टिक हो जाए, और तेज़ आँच पे मत फ्राई करेगा। और मर्ज़ेला स्टिक को जो है कोटिंग करने के बाद फ्रीज़र में 1 घंटा ज़रूर रखेगा, और उससे मर्ज़ेला स्टिक जो है मेल्ट होके फ्राई होते वक्त नहीं बाहर निकलेगी। अब मैं अपनी सारी मर्ज़ेला स्टिक जो है वो जल्दी जल्दी जो है मैं इसको फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरी मोर्ज़ेला स्टिक जो है वो गोल्डन ब्राउन जो है वो हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ और ऐसे ही मैं अपनी सारी मोर्ज़ेला स्टिक जो है वो फ्राई कर लूँगी। मेरी कुछ मोर्ज़ेला स्टिक टूट भी गई थी। आप देख सकते हैं कि मेरी क्रिस्पी मोर्ज़ेला स्टिक जो है वो रेडी है। बहुत मज़े की बनती हैं, इसको ज़रूर ट्राई करेगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।